जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी कृपया अपने बारे में बताइएगा थोड़ा सा। मैं तो मेहंदीपुर बालाजी रहता हूँ। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी में जो बालाजी का मंदिर है उनका मैं मतलब ये भतीजा लगता हूँ महंत का। ठीक। तो यहाँ पे मतलब पहले के बासिंदा हम यहीं के थे। ठीक। तो हमारे बुजुर्ग बुजुर्गों के बुजुर्ग जो थे उनकी ये समाधि स्थल है। तो उन्होंने आपकी आपकी चार पीढ़ी पहले से। हाँ जी, आपकी चार पीढ़ी पहले से। हाँ, इतनी पीढ़ी तो हो गई होगी। हाँ हाँ। तो इन्होंने 400 वर्ष की अवस्था में जिंदों ने समाधि ली थी। आपके जो पूर्वज रहे। हाँ, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज। पूर्वज। हाँ, वो 400 साल स्वयं जिंदा रहे। 400 साल जिंदा रहे, जिसके बाद में भी उन मरे नहीं, वो जिंदों ने ही समाधि ले ली यहाँ पर। इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु। हाँ। तो इन्होंने जिंदों ने समाधि ली। ये इनके चेले थे इधर वाले। तो ये चेलों ने जो मतलब ये तो मतलब इनकी समाधि तो बनाई हुई है, मतलब इन्होंने समाधि ली थी। हाँ। ये तो यहाँ पर। हाँ जी। तो इनका ये उदाहरण है। अच्छा, ये बड़का जो पेड़ है ये पीछे। हाँ हाँ। ये बड़का पेड़ जो है ये इन्हीं के टाइम का ये बड़का पेड़ है। अब ये बड़ के पेड़ को मतलब ये है कि एक आध बार किसी ने काटने की कोशिश की, मतलब यहाँ ऊपर ये इसके ऊपर आ रहा है ये बड़का पेड़। तो काटने की कोशिश की तो इसको काट नहीं सके। इसको काटते हैं तो इसमें से दूध नहीं खून निकलता है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, इसमें से दूध नहीं निकलता, खून निकलता है। तो लोग बाग समझ गए कि इसको मतलब काटना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल बात। तो लोग बाग समझ गए कि इसको मतलब काटना ठीक नहीं है। तुम ले लो, एक बार ले लो। आप लो। हाँ, लेना अभी लो। मेरे हाथ में कैमरा है ना। हाँ जी। फिर बाद में इसको किसी ने काटने की कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। पहले बस खाली ये इतना सा मंदिर था ये। फिर बाद में ये फिर हमने बढ़ाया, फिर आगे तक बढ़ गया। अच्छा, वो जो शिवलिंग के आप जो बोल रहे हो उसकी क्या कह कि भाई कोई खोदने के लिए आ रहा था, आए थे चोर खोदने के लिए। शिवलिंग आगे गांव में, यहां गांव में आगे जाके गांव में एक शिवलिंग है। करेक्ट। नीलम की शिवलिंग है। तो उसको काफी बार मतलब ये चोरों ने कोशिश की थी मतलब उसको ले जाने की। तो उसको बुलाए थे सब्बल वगैरह खोदने के लिए, पर बाकी कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। खोदते हैं तो मतलब ये खुद नहीं पाई किसी से भी, कोई भी लेजा नहीं सका उसको। बिल्कुल उसका ये है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एनर्जीज तो हैं, और जो आपके पूर्वज जो 400 साल तक जिंदा रहे जिन्होंने समाधि ली, वो अभी भी उनके एनर्जीज यहाँ पर हैं। और बरगद का पेड़ भी उन्होंने ही लगाया और ये उनके साथ है। जाने उन्होंने लगाया किसने लगाया ये तो पता नहीं, पर बाकी उनके साथ के समय का है ऐसा कह रहे हैं। करेक्ट। तो ये बरगद का पेड़ भी मैं दिखा देता हूँ। और देखो इनकी जटाएं भी दोस्तों, देखो कितनी लंबी जटाएं हैं इनकी। देखो ये जमीन में जा रही हैं। देखिएगा ये बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। कितना विशाल ये पेड़ है, देखिएगा आप यहाँ तक आ रही है। Yeah.
Oh, no.